सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले को लिए बताएंगे कि कौन सा मॉडल पेपर ले या कौन सा गेस पेपर ले, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाला के लिए बताएंगे कि मॉडल पेपर गेस पेपर या क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो कौन सा लीजिए, कौन सा बेस्ट होगा और कब ले और क्यों ले और कैसे देख के ले, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कॉमर्स के लिए ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो है कि आपको बताएंगे। देखिए आपको आपको पहले ये इन तीनों में डिफरेंस समझ लिए, मॉडल पेपर क्या होता है, गेस पेपर क्या होता है, क्वेश्चन बैंक क्या होता है, आपको उस तरीके से आप जो है ना आप डिसाइड करके लीजिएगा। और मेरा क्या रिकमेंडेशन, हम क्या आपको बोलेंगे लेने के लिए, ये अभी हम बताएंगे। लेकिन आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि आखिर है क्या ये सब, ठीक ना। ठीक है बाबू, गेस पेपर अगर कॉमर्स से है, कॉमर्स से है क्या, कॉमर्स वाला वीडियो दिख ही रहा है तो होने का क्या जरूरत है इसमें। तो गेस पेपर जो बाबू है वो आपको नहीं लेना है। गेस पेपर जो है आपको बाबू मान लीजिए कि ले लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। गेस पेपर सिर्फ और सिर्फ साइंस और आर्ट वाला सब लेते रहता है, जिसमें आपको जैसे कि क्वेश्चन आंसर सब तेरा रहता है, तो साइंस वाले का बेस्ट रहता है कि गेस पेपर ले, कोई भी पब्लिक बीबीडी ले, ब्रिलियंट रहे, एसबीबीडी, मतलब कोई भी पब्लिकेशन ले, डजंट कीप मैटर, आप गेस पेपर वो ले रहता है। क्वेश्चन बैंक तो आप भूल के भी नहीं लीजिए, हम बताए हुए थे क्वेश्चन बैंक लेना सबसे बड़ी बेकूफी है बाबू, सबसे बड़ा बेकूफी है क्वेश्चन बैंक लेना। क्वेश्चन बैंक में क्या रहता है पहले ही बताइए, 10 साल का क्वेश्चन रहता है। आप बताइए, आप सिलेबस खत्म ही ना होते रहता बच्चा को, 10 साल का क्वेश्चन बनाने लगेगा, बस यहीं पर कन्फ्यूजन, यहीं पर नंबर बड़ा अच्छा अच्छा बच्चा को कमाने लगता है। ये हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अरे क्वेश्चन बनाएंगे तब ना एग्जाम में बना आएंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस यहीं पर चले जाएगा। अरे प्रैक्टिस करने के लिए 1 से 2 साल का बनाया जाता है, कौन साल का वो भी हम बताएंगे, कुछ भी नहीं बनाने लगेगा। 10 साल का नहीं क्वेश्चन आपको ले लीजिएगा, ऐसे करके खरीद लीजिएगा और बनाने लगेगा, अच्छा चलिए ये है जाकिर हुसैन का, ये है आपको, हाँ इस क्वेश्चन का ये होगा, मतलब बनाने लगेगा। नहीं, सबसे बड़ा बेकूफी यही है बाबू, ठीक है, सबसे बड़ा बेकूफी यही है। तो आपको क्वेश्चन बैंक तो लेना ही नहीं, अगर ले लिए हैं तो रख लीजिए, 2 साल जो हम बताएंगे 2 साल का वही उसी का क्वेश्चन आपको बनाना है, उससे ज़्यादा का आपको क्वेश्चन बनाना नहीं। वो तो बच्चा तो ऑब्जेक्टिव सबका याद करने लगता है, बस गया वहीं पे तो फंस गया सब। अरे ऑब्जेक्टिव लिमिटेड रहता है, आपको जितना हम बता रहे उतना याद करिए, वही सब क्वेश्चन इस समय रहेगा। अब मान लीजिए कोई नया, क्योंकि देखिए जवाब तो 50 को देना रहता है, 100 को ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है, जिसमें आपको 10 को ऐसा ऑब्जेक्टिव रहता है जो नया नया देते रहता है, 20 को ऐसा ऑब्जेक्टिव, 30 को रहता है जो नया नया देते रहता है आपको। तो 50 नया नया ऑब्जेक्टिव हर साल देखते रहता है ना, 10 साल का क्वेश्चन ले लिया देखते रहता है, कन्फ्यूज आ जाता है, अरे हम तो कितना पढ़े हैं लेकिन हो ही नहीं रहा कुछ, बस दिक्कत यही है, हो नहीं रहा है कुछ, जो हो हुआ भी रहता है वो भी चले जाता है, बच्चा सभी समझ नहीं पाता अभी, ठीक ना। ये याद रखिएगा, कुछ भी करना है बाबू लेकिन क्वेश्चन बैंक से पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं बनाना, ये याद रखिए। मॉडल पेपर देखिए, कॉमर्स वाले के लिए आंख बंद करके मॉडल पेपर ले लीजिए, सबसे बेस्ट होता है एसबीपीडी का मॉडल पेपर, एसबीपीडी का सबसे बेस्ट होता है मॉडल पेपर बाबू, बाबू आंख बंद करके वो मॉडल पेपर ले लीजिए। मॉडल पेपर भी बोले तो 2 तरह का होता है, कौन सा, एक तो आपको क्या हो जाएगा 1-2 महीना बाद तो बिहार बोर्ड निकालेगा मॉडल पेपर, वो दूसरा चीज़ होता है, मतलब जैसे कि क्वेश्चन हो गया ना, एक क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव, किस ट्रू फॉल्स पूछेगा कि नहीं, मतलब इस सब के लिए दे दिया जाता है, हाँ तो उसको बोलता है मॉडल पेपर, तो वो दूसरा बात हो गया, ठीक ना। लेकिन मॉडल पेपर आपको देखिए, जैसे गेस पेपर निकालता है उसके लिए बिहार बोर्ड के लिए, सॉरी साइंस के लिए, उसे कॉमर्स के लिए भी आता है, लेकिन मॉडल पेपर एसपीबीडी नाम से निकालता है मॉडल पेपर, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, और मॉडल पेपर भी पढ़ना जरूरी है बाबू, ठीक ना, क्योंकि हम बताएंगे कि मान लीजिए कि एक तरह का क्वेश्चन कैसे होता है, उसी क्वेश्चन को मॉडल पेपर में 4 तरीके से पूछता है, चारों तरीका बताता है कि देखो और कर करके कि इस क्वेश्चन का ऐसे भी पूछ सकते हैं, आंसर सेम है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको देखने का जरूरत। हम तो एक क्वेश्चन देखकर आंसर बोल रहे हैं लिखने के लिए, आंसर तो लिख लीजिएगा, आंसर तो लिख लीजिएगा, कोई याद हो जाएगा उस क्वेश्चन का, लेकिन उसी क्वेश्चन का आंसर सेम है लेकिन उल्टा करके पूछ देगा, था क्वेश्चन उल्टा कर देगा, तो वो आपको मॉडल पेपर से ही आपको पता चलते रहता है कि क्वेश्चन तो सेम रहता है लेकिन आप आंसर सेम रहता है लेकिन उसी को 10 तरीके से पूछ देते रहता है आपको। कैसे पता चलेगा बाबा बताइए, कैसे पता चलेगा, इसी सब के थ्रू पता चलेगा आपको। अब हम दिखा देते, कोई सा भी होगा तो 4-5 तरीके से और करके, ये ईपीएस का है ना, एक क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन के देखिए, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस क्या है, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कुछ भी हो और करके दे देगा, आंसर सेम होगा, इस तरीके से आपको मतलब पूछता है एग्जाम में। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपको बाबू क्या करना है कि आप मॉडल पेपर भी खरीदना जरूरी, बहुत आदमी रहता है हमारे मॉडल पेपर क्या करना, नहीं सबसे बड़ा मॉडल पेपर भी खरीदना जरूरी है बाबू, ये याद रखिएगा। तो मॉडल पेपर खरीदिए, हाँ खरीदने वक्त एक चीज़ याद रखिएगा बाबू, अभी जो है मार्केट में 1-2 महीना पहले यहाँ पे सब कुछ दे दिया जाता है, मतलब 2024 है ना, 2024 के जो 25 लिख देता था अब बेच देता है सिर्फ, अब बच्चा सब खरीद लिया, नहीं इसको देखकर नहीं खरीदेगा, देख के क्या खरीदेगा, देखिए
ठीक है, यहाँ पे लिखा ना 18 20 23 में पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में जो ना आपको 24 भी लिखा होगा, तब 25 के लिए, मतलब क्या पिछले साल का क्वेश्चन ऐड कर किया रहेगा, थोड़ा अपडेट किया रहेगा तभी वो क्वेश्चन लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 2023 है ना, वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन में 2024 दिया रहेगा तभी आप लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा। ये याद, बस इतना याद रखिए क्वेश्चन बैंक खरीद मॉडल पेपर खरीदने वक्त, ठीक ना, ये देखिए आंख बंद करके ले लीजिए, उससे ज़्यादा आपको देखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक, फिर भी कोई दिक्कत होता है बाबू तो इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए, यहाँ तक पहुँच गए कमेंट में जय मिथिला जय जरूर लिखिएगा, थैंक यू सो मच।